UK 07 राइडर क्या है? देहरादून का ना पिन कोड है UK 07। तो मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊं। जय देव भूमि उत्तराखंड। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आजकल जो है हमारे उत्तराखंड से जो है एक शख्स जो है बिग बॉस सीजन 70 में गया हुआ है, जो कि बाबू भैया हैं। आपने नाम सुना होगा इनको, बेसिकली जो है बहुत सारे लोग बाबू भैया के नाम से जानते हैं। और एक बात मुझे बाबू भैया की बहुत अच्छी लगी, जब सलमान खान उनसे पूछते हैं कि UK 07 नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि UK 07 का मीनिंग है कि मैं अपने स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि लोग जान पाए कि मैं कहाँ से हूँ। तो उनका मकसद ये है कि मतलब उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूके के नाम हो गया उत्तराखंड, और 07 जो है एक कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड है। तो मतलब ये हमारे लिए प्राउड फील की बात होती है हर उत्तराखंडी के लिए, कि कोई भी अपना चैनल का नाम जो है अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नाम से रखता है या अपने क्षेत्र के नाम से रखता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बाबू भैया के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जब मैं भी जो है कोचिंग ले रहा था देहरादून से, तो उस टाइम जो है मुझे भी पता था कि बाबू भैया जो है एक नॉर्मल इंसान है, और वो उस टाइम जो है DAV कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, यानी कॉलेज कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है ये मूल निवास जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नैनबाग साइड इनका गांव है। गांव का नाम आई थिंक मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये टिहरी गढ़वाल के ही हैं, और इनके पापा जी एक टीचर हैं। तो इनकी जो बेसिक स्टडी है वो इनकी पहाड़ से ही हुई है, टिहरी गढ़वाल में जहाँ पे इनका गांव है, और उसके बाद ये जो है देहरादून में शिफ्ट हो चुके थे। तो देहरादून में 12 करने के बाद ये चले जाते हैं देहरादून के DAV कॉलेज के अंदर, और वहाँ पे एडमिशन करके ये कॉलेज कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं यार कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि इनको कुछ भी दिख नहीं रहा था आगे, कुछ जॉब करना है, कुछ करना है। और देहरादून के अंदर हर एक लड़के के अंदर एक शौक होता है, जो कि बाइक राइड करना होता है। और एक चीज मैंने इस दुनिया में और देखी है, जब भी कोई यूट्यूबर्स बड़ा बन जाता है, यानी सेलिब्रिटी बन जाता है ना, जैसे LBC यादव हो गया, या फिर सौरभ जोशी ब्लॉग है, या फिर UK 07, या आप बहुत सारे ले लीजिए, बहुत जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं, जब ये बड़ा नाम इनका हो जाता है और सेलिब्रिटी से मिलना जुलना इनका हो जाता है, तो भाई ये जो है ना छोटे यूट्यूबर्स को भूल जाते हैं, जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। तो भाई मैं तो हमेशा UK 07 का सपोर्ट करता हूँ, और आपको भी बोलूँगा कि आप भी जो है UK 07 का सपोर्ट करिए, क्योंकि वो अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।